हेलो बच्चों, कैसे आप सब। मैं रमन दीक्षित, आपका इंग्लिश टीचर, आज की इस इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। और आज हम बहुत ही नन्नी मुन्नी सी पोएम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है फोग, और जिसके पोएट हैं कार्ल सैंडबर्ग। तो डियर स्टूडेंट्स, ये छोटी छोटी सी, ये बिल्कुल प्यारी सी आपकी जैसी जो नन्नी मुन्नी पोएम है, ये आपको बहुत मज़ा देने वाली है, बहुत ही आपको सिखाने वाली है। ये क्या सिखाएगी आपको, ये आपको बताएगी नेचर के बारे में, नेचर की साइलेंट वर्किंग के बारे में, कि भाई नेचर की जो वर्किंग होती है वो बहुत ही साइलेंट होती है, और उस साइलेंट वर्किंग में कैसे वो अपना काम करके चली जाती है। उसी तरीके से हम आइए ये पोएम पढ़ के हम देखते हैं कि कैसे वर्किंग होती है नेचर की। तो क्या कहते हैं, द फोग कम्स। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फोग है क्या, ठीक है। तो मैं आपको फोग बताता हूँ पहले क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये इमेजेस सर्दियों के मौसम में बहुत बार देखी होगी। इसमें आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सर्दियों में इन दिनों में कुछ दिखाई नहीं देता। ये इमेज आपने देखी होगी कि भी कैसे धुंध छा जाती है सब जगह पे, कैसे कोहरा आ जाता है, ये हमारी ये फॉग ही है, ठीक है। तो ये देखो, ये कुछ भी दिखाई नहीं देता है, बहुत कम दिखाई देता है, और बहुत पास का ही दिखाई देता है, दूर दिखाई नहीं देता है। तो आइए हम अपना, अब तो हमारी पोएम में क्या है कि द फोग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि भी द फोग कम्स, जो फोग है, जो ये धुंध है, जो कोहरा है, कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। तो वो कम्स मतलब आ जाता है, कैसे आता है, ऑन लिटिल कैट फीट। लिटिल कैट फीट पे कैसे, कि जैसे कि हमारी जो कैट आती है बिल्कुल शांति से बिना शोर किए, उसी तरीके से कोहरा भी सब जगह एकदम से छा जाता है, ठीक है, बिना शोर किए। कोई जिस प्रकार से हमारा तूफान आता है या आंधी आती है, ठीक है, तो बिजली चमकती है जब बारिश आती है, तो वो सब शोर करते हैं, बादल की गर्जन वगैरह, लेकिन जब फोग आती है तो कोई भी शोर नहीं होता है, वो बिल्कुल बिल्ली की तरह ही दबे पांव आ जाती है। तो इसीलिए बोला है द फोग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। तो आगे कहते हैं, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। तो इट सिट्स, तो ये कहाँ पे छा जाती है, सीट्स का मतलब होता है बैठना, जैसे बिल्ली बैठ जाती है, तो उसी तरीके से ये भी आराम से बैठ जाती है। कैसे बैठती है, कहाँ पर बैठती है, कहाँ पे आई हुई दिखाई देती है फोग हमें, ओवर हार्बर, हार्बर मतलब बंदरगाह पे, ठीक है, जितनी भी पोर्ट होती हैं समुद्र के किनारे पे, वहाँ पर भी छा जाती है ये। एंड सिटी, और जो शहर होते हैं उनमें भी आ जाती है, मतलब ये नहीं है कि शहर में नहीं आती है, ये सब जगह छा जाती है, और बिल्कुल बिल्ली की तरह शांतिपूर्वक आकर के बैठी रहती है बहुत देर तक, दबे पांव आकर के। आगे कहते हैं ऑन साइलेंट हॉन्चेस, और ये कैसे बैठ जाती है, बिल्कुल साइलेंटली, बिल्कुल चुपचाप बैठ जाती है। और हॉन्चेस, हॉन्चेस क्या होते हैं, अपने मतलब पिछवाड़े पे बैठ जाना, पिछवाड़े पे बैठ जाती है अपने आकर के बिल्कुल आराम से, ठीक है, जैसे बिल्ली बैठती है तो उसी प्रकार से, एक जैसे वो बिल्ली एक सीट सी बनाकर अपनी बैठ जाती है, उसी तरीके से ये भी बैठ जाती है। एंड देन मूव्स ऑन, और तब ये मूव ऑन हो जाती है, मतलब कि ये आगे बढ़ जाती है, मतलब जैसे ही थोड़ी हवा का झोंका आता है कोई, या फिर उसके बाद सूरज निकल जाता है, जब सनलाइट पड़ती है तब भी ये वहाँ से बिल्कुल गायब हो जाती है बिल्ली की तरह, जैसे चुपचाप आती है साइलेंट फीट पे, और उसी तरीके से ये चली जाती है। तो हमारे जो कार्ल सैंडबर्ग हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है यहाँ पे फोग का। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी जरूर करें, ठीक है बच्चों के, बाय, थैंक यू।